दोस्तों आज इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच पहला वनडे मुकाबला खेला गया और इस मैच में केएल राहुल की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने मुकाबले को एक तरफा अपने नाम कर लिया। तो ऐसे में दोस्तों हम आपको बताएंगे इस मैच की पूरी हाईलाइट, तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले अगर आप भी भारतीय टीम के फैन हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि भारतीय टीम इस समय साउथ अफ्रीका के दौरे पर है, जहां वो T20 सीरीज पूरी करने के बाद आज केएल राहुल की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने पहले ओडीआई मुकाबले का आगाज किया, जहां टॉस हारकर पहले गेंदबाजी करने उतरी भारतीय टीम के गेंदबाज हरदीप सिंह ने जॉर्जी हेंड्रिक्स, क्लासेन और डुसेन समेत फेलिक वायो के रूप में अपना पहला 5 विकेट होल पूरा किया। तो वहीं आवेश खान ने मार्क्रम, डेविड मिलर, मुल्डर और केशव महाराज जैसे घातक बल्लेबाजों का विकेट लेकर साउथ अफ्रीका की टीम की कमर तोड़ डाली। इस दौरान कुलदीप को बर्गर के रूप में 1 विकेट मिला और इस तरह से पहले बल्लेबाजी करने उतरी साउथ अफ्रीका 27 ओवर ही खेल पाई और महज 116 रनों पर सिमट गई, जिसके बाद स्कोर का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने 2 विकेट के नुकसान पर ही इस रन चेज को आसानी से चेज कर लिया। इस दौरान शाही सुदर्शन ने 43 गेंदों में 55 रनों की पारी खेली, तो वहीं श्रेयस अय्यर ने 52 रनों की पारी खेल भारतीय टीम को 8 विकेट से जीत दिलाकर सीरीज में 1-0 की विजयी बढ़त बना ली। दोस्तों आपकी राय में इस मुकाबले की जीत का सबसे बड़ा हीरो कौन रहा, कमेंट करके जरूर बताइएगा।